तो दोस्तों, गुरु जी तो जेल में अनशन में मरे, हमें भूखों नहीं मरना है। अब चाहे जिए या मरें, हम अपना काम शुरू करें। और दोस्तों, मरने पर याद आया अपना मरना, बस एक ही चारा था और उसी क्षण मैंने आत्महत्या कर डाली। एक मरे हुए आदमी के रूप में खुद को देखने लगा। इस तरह आत्महत्या ने मुझे आदर्श और न्याय की इच्छा से काट दिया। मरणोपरांत जीवन में मुझे एक सार्वजनिक औरत मिली, उसने भी बताया कि यह सब वह आत्महत्या के बाद ही कर रही है। वहाँ मिले मुझे एक से एक धाकड़ अपराधी, जो सब आत्महत्या के बाद ही सफल हुए थे। हम में से हर एक को एक बार इस दौर से गुजरना है। पहले स्वयं को, तब दूसरे को मारना है। मौत ही है न्याय, इसलिए जब भी मौका मिले न्याय करना है। गिरोह का एक लड़का छक्कन, जो अभी खाने पीने की चीज़ें ही चुराया करता था, जो हमेशा अपनी जान बचाए घूमता था, उसने कहा, इस तरह की आत्महत्या तो आदमी से हजार हत्याएं करा देगी। क्या आत्महत्या से बचा नहीं जा सकता? जरूर, प्यारे लाल ने कहा, बचा जा सकता है। छक्कन ने कहा, मगर कैसे? प्यारे ने न शराब पी, न किसी ईश्वरदेव को याद करने का अभिनय किया और धड़ से एक ही वार में उसकी गर्दन अलग करते हुए कहा कि ऐसे। इसके बाद प्यारे लाल ने छक्कन के खून से पहले खुद को, फिर सबको टीका लगाया और उसके बाद लाश के चरण छुए। इस तरह मरने और मारने के भेद और भय को दूर भगाया। जी हाँ, यही है मंदिर लेन। यहाँ सब कुछ बिकने आता है। पूजा के फूल, धर्म कर्म, पाप पुण्य, भगवान के लायक महंगी मिठाइयाँ, नाले पार वाले बाग के बनवासी गेंदे और जंगली गुलाब। और इस तरह 30 साल का प्यारे लाल गंगू की चीखों से भरी गलियों में अपने आप को ले आया। अब यहाँ जो कुछ होता है प्यारे लाल के इशारे पर होता है। प्यारे भाई के कीर्तन से गूंजती रहती हैं इस गली से जुड़ी हुई सारी गलियाँ। निरपराध के अपराध और चोर के दान से, कमज़ोर को ताकत मिल जाने के नकली भान से, जाने किस तत्व का यहाँ कितना राजनीतिक उत्थान हो जाए। फिलहाल इस शहर के दो ध्रुव हैं, एक परमेश्वर नाई, दूसरा प्यारे लाल भाई। यह कविता 1986 में लिखी थी लीलाधर जगूड़ी ने। भय भी शक्ति देता है नामक उनके कविता संग्रह में यह संकलित भी है, और उससे पहले यह आलोचना में छपी थी।